नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 246 का इलेक्शन हो गया और नतायज भी बहुत हद तक आपके सामने आ रहे हैं। 100 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन के नतायज आपके सामने आ चुके हैं, 213 पोलिंग स्टेशन हैं नतायज आने, और वक्त अब है तजिए का कि इस रिजल्ट का, जो रिजल्ट हमारे सामने आया, जैसे कि हम पहले ही कह चुके हैं, गुज़िश्ता दो दिन से कह रहे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये इलेक्शन आसानी से जीत लेगी। जी नाज़रीन, अल्ताफ हुसैन साहब ने हमें लंदन से ज्वाइन किया है। अल्ताफ हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहिद्दीन साहब, कैसे मिजाज हो सर? अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्ताफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला है। मुझे एहसास है कि आप मुकम्मल इलेक्शन के रिजल्ट से पहले बात नहीं करना चाह रहे थे। आपको बड़ी मुबारक हो, बड़े मुश्किल यानी हालात में भी मुत्तहिदा ने बड़ा बेहतर रिजल्ट शो किया, लेकिन एक चीज तो है कि 74% से रिजल्ट आपका अब जो है वो 59% पे आ गया है। 59% वोट आज लगता है कि मुत्तहिदा को डल रहा है। मुत्तहिदा साहब, देखिए ये तो अभी तमाम रिजल्ट नहीं आए हैं, अभी मेरा ख्याल के काफी हल्कों के बाकी हैं। अभी जरा रिजल्ट पूरे हो जाए फिर देखते हैं कि क्या परसेंटेज बनती है टोटल। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा मोहित पीरजादा साहब के आप पूरी दुनिया की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में इलेक्शन की तारीख देखें। अब दो तरह के इलेक्शंस होते हैं, एक होता है जनरल और एक होता है बाय इलेक्शन। तो बाय इलेक्शंस में हमेशा दुनिया के हर मुल्क में जनरल इलेक्शन से परसेंटेज जो है वो कम होती है, एक बात। दूसरी बात जो है मोहिती ज़ादा साहब, डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप पढ़े लिखे इंसान हैं और अच्छे तजर्बेकार तजिया निगार भी हैं, तो देखिए ये इलेक्शन MQM वर्सेस ऑल ने अकेले लड़ा है, ये यानी एस्टेब्लिशमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं चाहता कि अभी नतीजे आने से पहले, मुकम्मल नतीजे आने से पहले कहूं। खाम खाई बिला वजह नाचाकी होगी, यानी पूरा मीडिया समझ लीजिए, एंकर पर्सन्स की बात कर रहा हूं। और अब आप इसमें अगर सहाफत की बात में आप लाएंगे तो इसमें कैमरामैन भी होता है, इसमें सड़क का स्ट्रीट रिपोर्टर भी होता है, इसमें आग और खून गोलियों की बारिश में काम करने वाला भी होता है, एक एंकर पर्सन जो है वो एयर कंडीशन कमरे में बैठकर तजिया निगारों को बुलाकर किसी के इशारे पर उसके लिखे हुए सवालात के मुताबिक जो है वो करता है, और जो पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना होता है करता है। नतीजा क्या होता है कि वो एंकर पर्सन तो बड़े बड़े बागात का मालिक बन जाता है, बड़ी बड़ी जायदादों का मालिक बन जाता है, लेकिन प्रेस, क्या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसकी अक्सरियत तो मैं देखता हूँ बेचारे आम गरीबों जैसी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जैसे लोगों की गुजरती है। इसलिए कि बेचारे जो है वो स्ट्रीट का काम करते हैं, उनके अंदर वो गट्स अल्लाह ने नहीं दिए होते या उनको मौका नहीं मिला होता, वरना तो बाकी आपको मालूम है कि हमारे यहाँ सहाफत में मिसाल के तौर पे
मिसाल के तौर पे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ करते थे जी बिल्कुल, उनकी एक मुहिम चली के उनको रेस्टोर किया जाए, ये फरिश्ता सिफत इंसान आमिरों की आंखों में आंख से डालकर डट कर बात करने वाला, वो मुझे मालूम है ना उसकी पूरी कहानी की, आमिरों की आंखों में आगे डाल के बात करने वाले ने खुद दो दफा उसी आमिर का हल्फ उठाया जिसके खिलाफ फिर उसको हीरो बनाकर। बट अल्ताफ साहब उनकी कहानी तो आपने भी कभी नहीं खुल के सुनाई, वैसे तो मैं आज सुना देता हूँ ना, आज सुना देता हूँ, सुन लीजिए कि पाकिस्तान की एक एजेंसी है, नाम ना पूछे लेकिन ये मैं कह दूं कि अस्करी एजेंसी है जो उमूमन सिविलियन ड्रेस में काम करती है, आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं जी बिल्कुल। उसने ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वो डिस्ट्रीब्यूट की वुकला अंजुमनों के बड़े बड़े लीडरों को, और उन्होंने अपनी अपनी टीम के अपने पसंदीदा लीडरों को मिलाया अपने साथ। अब आप जरा और फरमाइए, एक वकील सुबह इस्लामाबाद में जलसे में शिरकत कर रहा है, फिर दोपहर को वो लाहौर में कर रहा है, फिर वो थोड़ी देर बाद दो घंटे बाद वो कोयटा में कर रहा है, फिर वो कोयटा से सीधा पिशावर पहुंचता है रात को डिनर पर, और ये सारा सफर जो है बस ट्रेन या कार में नहीं होता, ये हवाई जहाज के जरिए होता है। तो कौन वकील पाकिस्तान में इतना जीदार और प्रोग्रेसिव और तरक्की पसंद है जो अपनी जेब से एक दिन में पांच यानी चार पूरे चारों सूबों का दौरा करे, पांच शहरों का, सही, और एक नहीं फिर उनके बड़े बड़े हर जगह स्टेज सजना, तो ये इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय हिडन हैंड्स ऑफ पावरफुल एजेंसी ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट परवेज मुशर्रफ। और बिलाखिर हुआ ये कि मैंने खुद कहा परवेज मुशर्रफ साहब आपको मार दिया जाएगा, आप पर हमला होगा, हमले हुए फिर मैंने कहा देखें आप छोड़ दें, आपके खिलाफ हो गए हैं आप ही के लोग, अब आप ये देखिए कि जब अल्ताफ साहब माजरत के साथ आप बहुत ही मुश्किल बात एक कह रहे हैं, बेसिकली आप कह रहे हैं कि इदारा भी जिस एजेंसी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो भी परवेज मुशर्रफ के मातहत, और वही एजेंसी आप इशारा कर रहे हैं कि परवेज, ऐसी बात नहीं है वो डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, आपको मालूम है एक एजेंसी ऐसी होती है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के भी मातहत नहीं होती पूरी 101%, और वो बड़े बड़े चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के को हटवा चुकी है, वो इतनी ताकतवर एजेंसी है। बेनजीर भुट्टो शहीद का बयान रिकॉर्ड पर है कि वो एजेंसी तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी नहीं सुनती, उनके अहकाम भी नहीं सुनती। तो आप कह रहे हैं अजीब अजीब बातें कर रहा हूं मैं, बातें तो आपको अजीब लगेंगी लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो ये कि जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलना शुरू हुआ कि रेफरेंस जो चीफ जस्टिस के खिलाफ परवेज मुशर्रफ साहब ने भेजा था वो
कहां तैयार हुआ था, किसने दिया था और इन पे जो इल्जाम थे उसके कौन कौन शाहिद हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी आर्मी को पहली दफा पाकिस्तान की 67 ईयर्स की हिस्ट्री में हर सरबरा को बुला लिया एजेंसी के, एमआई का चीफ वहां था और तमाम जर्नल फला फला सब थे, लेकिन एक एजेंसी का सरबरा जो था उसको तलब क्यों नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने? यानी कि आपको यह शक है कि वो जो एक शख्स जिसको तलब नहीं किया गया था वही इस पूरी वुकला की तहरीक के पीछे था? शक मैंने कितनी दफा डंके की चोट पे कहा है। देखिए पाकिस्तान में मैं और लीडरों की तरह नहीं हूं मोहित पीरजादा साहब, मैं अल्लाह का करम हूं, बहादुर आदमी हूं, सच कहता हूं, इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट मुझसे नाराज रहती है। क्योंकि उसे मालूम है कि मैं उनकी नाजायज बात नहीं कभी मानूंगा। जायज यस, पाकिस्तान पे जान देना यस, मैंने अभी फौज के लिए 1 मिलियन का जुलूस निकाला हिमायत में जरब अस्त के लिए, उन्हें खड़े होकर मैंने सलूट किया खुद लाइव प्रोग्राम के अंदर और करोड़ों यानी 1 मिलियन लोगों ने खड़े होकर सलूट किया, पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। तो लेकिन उसके बावजूद भी बाज बातें ऐसी कि जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट मुझसे खुश नहीं और ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो चौधरी निसार साहब वफाकी जो इंटीरियर मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि 3 रुकनी मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी, वो कमेटी नहीं बनी। मैंने कल पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से टॉप मोस्ट इंक्लूडिंग एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सबसे बात की कि भाई ये डबल सवारी पे पाबंदी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सिर्फ लगाई है, 144 सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में लगाई है, ये सब क्या हो रहा है? हमारे जिस इलाके में ये 246 कल का, यहाँ तो लोअर मिडिल क्लास गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग और कुछ इलाकों में अपर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, तो यहाँ ज्यादातर तो साइकिल ये मोटरसाइकिलों पे सफर करते हैं, वही माँ को लेके जाते हैं, वही बाप को लेके जाते हैं, वही भाई को लेके जाते हैं, बहन को लेके जाते हैं, फिर पोलिंग स्टेशन से पहुंचाते हैं। तो ये उठाइए, फिर सुबह तक पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक आईजी साहब से बात होती रही और चीफ मिनिस्टर सिंह से बात हुई, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैंने ये पाबंदी नहीं लगाई, उससे कहा कि भाई आप इसको कैंसिल करें, ये तो काम होम मिनिस्टर का और ये काम चीफ मिनिस्टर का, कमिश्नर का, डिप्टी कमिश्नर का होता है, ये रेंजर्स का काम नहीं होता है, ये इस किस्म के शनाख्ती कार्ड जेब में रख के लेकर आइए, ये रेंजर्स की जुरिस्डिक्शन में नहीं, उनकी पावर्स में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्ताफ हुसैन साहब, लेकिन आप इससे तो इत्तफाक करेंगे कि कराची के हालात बड़े खराब रहे गुज़श्ता 18 महीने के ऑपरेशन के बाद। अब तमाम लोग ये इत्तफाक करते हैं, उसमें आपके भी चाहने वाले हमदर्द हैं जो समझते हैं कि कराची की ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बड़ी इंप्रूव हुई है, उसमें टारगेट किलिंग्स कम हो गई हैं, उसमें भत्ता बहुत कम हो गया, ये सब चीजें तो हुई हैं, बेहतरी तो आई है। मैं इससे इनकार कब करता हूं, लेकिन भत्ताखोर हैं, एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, टारगेट किलर्स हैं, स्ट्रीट क्राइम्स करने वाले हैं,
या कोई और जराइम में मुलव्वस हैं उन क्रिमिनल्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यही इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपने चीफ जस्टिस जब वो थे तो सिंध में जब वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच चलाई थी तो उसमें उन्होंने फैसला दिया था कि कराची में हालात की खराबी इसलिए है कि बहुत सारी जमातों सियासी और मजहबी जमातों के मिलिटेंट विंग्स हैं जिसमें जमात इस्लामी का भी है, जिसमें पीपल्स पार्टी का भी है, जिसमें एएनपी का भी है, जिसमें लश्कर ए जंगवी का भी है, जिसमें सिपाही सहाबा का भी है, जिसमें एमक्यूएम का भी है, जिसमें फलां का भी है। तो फिर ये हुआ कि इसके मुताबिक अब दो साल बाद कार्रवाई शुरू की गई। वजीर आजम पाकिस्तान साहब ने कराची का दौरा किया और कहा, ऐलान तो वजीर आजम साहब ने कर दिया कि इसके कप्तान जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध है और कप्तान को पता ही नहीं कि शनाख्ती कार्ड वाला किसने निकाला हुक्मनामा, ये डबल सवारी पर पाबंदी लगाने का हुक्म। आज उन्होंने खुद टीवी पे लाइव इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरे इल्म ही नहीं कि डबल सवारी में पाबंदी किसने लगाई। तो कप्तान के इल्म में नहीं है तो हुकूमत सिंध की कौन चला रहा है? अल्ताफ हुसैन सर, आपकी बात से ऐसा लगता है सुनने वाले को कि आप समझते हैं कि आपके तमाम मसाइल और पेचीदगियां इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हैं, लेकिन आपके तो बहुत से मसाइल बरतानिया में भी हैं, वो तो इस्टेब्लिशमेंट पैदा नहीं कर रही। क्या कहलवाना चाहते हैं मेरे मुंह में? मैंने ये कब कहा कि इस्टेब्लिशमेंट इसके जिम्मेदार है? यहां पर भी मैं पाकिस्तान में भी मैं तीन मरतबा जेलों में गया। मैंने जनरल मिलिट्री डिक्टेटर जनरल जियाउलहक की हुकूमत में डिक्टेटरशिप में नौ मैं गिरफ्तार हुआ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। मैंने रिपेट्रिएशन ऑफ स्टैंडर्ड पाकिस्तानी फ्रॉम बांग्लादेश कैंप्स टू पाकिस्तान, ये मुतालबे के लिए मजार कायद के सामने जुलू वो यानी वो किया था, रैली निकाली थी और मुजाहरा किया था। तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, फिर मेरा मुकदमा समरी मिलिट्री कोर्ट में चला, वहां से मुझे 9 महीने 5 कोड़े की सजा सुना दी गई। मैंने उन गुनाहों की सजा भुगती जो इल्जाम मुझ पे लगाए गए कि अल्ताफ हुसैन ने एक पोल के ऊपर चढ़कर पाकिस्तान के झंडे को नीचे किया और उसके ऊपर काला झंडा लगाया। ये है सबसे बड़ा अल्ताफ हुसैन पर इल्जाम। पहली बात तो यह है कि मुझे पोल पे चढ़ना आता ही नहीं, मैं जिंदगी में कभी किसी पोल पे चढ़ा ही नहीं, तो वो इतना बड़ा कायदत के सामने वो जो फ्लैग लगा हुआ है मैं कैसे वहां उस पोल पे चढ़ सकता था? तो ये अब मैं क्या वहां पे करता, क्योंकि वहां ना वकील होता है, वहां तो वर्दी होती है, समरी मिलिट्री कोर्ट होती है और किसी को कानून के तहत बात करने की इजाजत नहीं होती। तो मैं जेले भुगता हुआ हूं, यहां पर भी जो केसेस हैं, क्या पाकिस्तान से यहां लोग नहीं आए बंडल के बंडल लेकर स्कॉटलैंड यार्ड को पेश किए, होम ऑफिस में जमा कराए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिए? क्या यहां पे ब्रिटिश एम्बेसी पाकिस्तान एम्बेसी जो है लंदन में पाकिस्तान की मेन, वहां से मुझे एक्सट्राडाइट कराने के लिए और मेरे खिलाफ कन्फेशनल स्टेटमेंट की वीडियोस भरे ट्रक के ट्रक
ब्रिटिश गवर्नमेंट के हवाले नहीं किए गए, लेकिन जाहिर है कि सब झूठे थे। 25 साल हो गए मुझे बर्तानिया के अंदर रहते हुए। फिर उसके बाद डॉक्टर इमरान फारूक कन्वीनर ऑफ DMQM, उनका मर्डर होता है। उसके बाद जनाब हम पूरे ताबून का यकीन दिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, वहां से कहानी का एक नया रुख शुरू होता है। फिर उसमें यहां पे लेटर लिखे जाते हैं, फिर एक जोरा शाहिद नामी खातून बुजुर्ग, अल्लाह उन्हें हरीक रहमत करे, उनका कत्ल होता है। इधर उनका कत्ल हुआ और इमरान खान साहब जो बिस्तरे अलालत पे थे सीढ़ियों से गिर गए थे, ऊपर से नीचे गिर गए थे, एक्सीडेंट हो गया था उनका, तो वो बिस्तर पे थे, अस्पताल में दाखिल थे। इधर कत्ल हुआ है, 2 मिनट बाद उन्होंने कहा अल्ताफ हुसैन कातिल है, उसने कत्ल कराया है, मेरे पास सबूत है। तो इतनी जल्दी तो बड़े बड़े पैगंबरों का हमने नहीं सुना कि इतनी जल्दी वही जिब्राइल लेके आ जाते हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी 40 साल गारे हिरा में इबादत करनी पड़ी, उसके बाद जिब्राइल अलैहि सलाम पहली मर्तबा तशरीफ लाए। बट अल्ताफ हुसैन सर, इसके बावजूद धरनों के दरमियान में ऐसा लगता था कि आप किसी हद तक इमरान खान के साथ कॉपरेट भी कर रहे हैं, शेख रशीद आपके और उनके दरमियान रबते का रोल भी अदा कर रहे थे, और कई दफा ऐसा लगा कि कराची में जो जलसे किए हैं उसमें आपका एक एंगल था कि भाई होने दें, एक सॉफ्टनेस का एंगल था, ये भी था, आपकी सियासत चलती रही है। देखिए, जब उन्होंने फायरिंग MQM को टारगेट करके फायरिंग स्क्वाड को ऑर्डर दे दिया कि स्टॉप, डोंट फायर एनी मोर, तो उसके बाद हमने कहा कि चलो भाई, फिर हम भी, इन्होंने खुद बंद कर दी, हम भी कुछ नहीं कहते, हमने भी कहना बंद कर दिया, क्योंकि हम लड़ाई झगड़ा चाहते ही नहीं थे। फिर 252 की नशिस्त का मसला आया, बड़ी लंबी कहानी है जनाब, कोई डॉक्टर। लेकिन अल्ताफ साहब, फिर दोबारा आपके ताल्लुकात क्यों खराब हुए? जब दरमियान में बेहतरी आ भी गई थी आपकी इमरान खान के साथ, तो फिर दोबारा खराबी कब पैदा हुई? इमरान खान साहब को जिन्होंने रातों रात इमरान खान बनाया और बड़े बड़े पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियंस को रातों रात PTI में शामिल करवाया, जिस शख्सियत ने करवाया उसका नाम भी सब जानते हैं, उसकी फोन कॉल्स भी सब जानते हैं, तारीख का हिस्सा है ये कि किस तरह से PTI में एकदम बड़े बड़े लोग शामिल हो गए थे, उसमें जावेद हाशमी साहब जैसे लोग भी गरीब शामिल हो गए, जिनको पता ही कुछ नहीं कि जिस चीज के खिलाफ वो पूरी जिंदगी आमरियत के खिलाफ लड़ते रहे हैं, तो वहीं से जनाब सारा कारोबार चल रहा है। वरना इमरान खान के पास इतने पैसे हैं कि एक दिन के धरने का ये खर्चा बर्दाश्त कर नहीं है, इन्होंने कभी एक जलसे का खर्चा बर्दाश्त किया है? अल्ताफ साहब, लेकिन अगर जावेद हाशमी साहब को कोई लोग लाए थे, अरे साहब, 2 महीने 3 महीने तक रात दिन धरना, जलसे जुलूस करना, इसमें अरबों रुपए खर्च हुए हैं। खाना तो आप भी भेजते रहे, खाना तो मुत्तहिदा भी लाती रही। नहीं, वो हम भेजते रहे वहां पर, वो जो कतलेआम हुआ था मॉडल टाउन में, लाहौर में मिनहाजुल कुरान ताहिरुल कादरी साहब की जो जमात है, अवामी तहरीक, उन लोगों ने जब उनके लोग मारे गए तो एहतजाज किया, तो वहां सारे रास्ते चारों तरफ से हुकूमत ने बंद कर दिए,
अब ना ताहिर कादरी साहब बाहर निकल सकते थे, ना आ सकते थे, ना जा सकते थे, सब कन्फाइंड हो गए। खवातीन बच्चे लिए भूख से तड़प रहे, दूध नहीं बच्चों का। तो अगर इंसानी खिदमत की बुनियाद पर, इंसानियत की बुनियाद पर मैंने वहां पर खुराक भिजवाई, दूध भिजवाया, चाय भिजवाई, कुछ अजनास भिजवाए, तो अगर ये मैंने कोई गलती की है तो भाई अच्छा, ये कम से कम अल्ताफ हसन साहब आपको वहां से बैठ के चीजों को देखते हैं। अब ताहिर उल कादरी साहब का क्या हुआ उसके बाद, क्योंकि आपके साथ उनकी कुर्बत रही है, वो आपके हलीफ रहे हैं, आप उनकी तरफदारी हलीफ करते रहे, अब वो कहां चले गए, क्या हुआ? वो देखिए ना, आदमी को शुरू में तो पता चलता ही नहीं है कि जैसे MQM में आज लोगों ने जब मुख्तलिफ इलाकों के रिजल्ट लाए तो करीमाबाद पे एक ग्रुप जमा हो गया, जिसने इमरान खान के करीमाबाद पे दफ्तर के बाहर झंडा जला दिया और नारेबाजी की, फिर चेयरिंग हुई। वहां मैंने फौरन, मैंने कहा ये कौन लोग हैं भाई, इनसे कहो कि ये इलेक्शन खत्म हो गया है, पोलिंग बंद हो गई है, ये क्या लड़ाई कराना चाह रहे हैं, कौन लोग हैं ये? तो वहां MQM के रहनुमाओं को भेजा, वो गए तो वो पता नहीं कौन लोग थे कि जिस उनकी भी नहीं सुनी। फिर दोबारा मैंने जनाब जो है फारूक सत्तार, खालिद मकबूल, फिर हैदर रिजवी, इन सब को भेजा कि भाई जाओ। फिर उन्होंने वो लेके गए मेगाफोन, फिर खिताब किया और कहा कि जो MQM का है वो फौरन चला जाए, और जो MQM का दुश्मन है वो यहां नारेबाजी करे, और जो अमन व आम्मा का दुश्मन है वो तो उसके बाद फिर जो है वो बड़ा समझाने समझूने के बाद वो लोग खैर फिर चले गए। कल बड़ी हैरानगी में आपने लोगों को डाला जब आपने कहा कि गवर्नर इश्तोतल आबाद के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आपने एक ला तौलकी का इजहार किया उनसे। मैंने ये देखिए, मैं आपको मोहित, डॉक्टर मोहित वीरदास साहब, डॉक्टर इश्तोतल आबाद से हमारा ला ताल्लुकी का सिलसिला 2002 के बाद हो चुका था, क्योंकि जब कोई गवर्नर बनता है या प्रेसिडेंट बनता है तो उसको अपनी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ता है, तो वो नॉन पॉलिटिकल बंदा होना चाहिए। तो 2002 में जब ये गवर्नर के लिए प्रपोज किए जा रहे थे तो यकीनन हमने नाम प्रपोज किया था। उसके बाद हमें मालूम था कि ये होगा, हमने कहा ईमानदारी से काम करना, खिदमत करना, इनको वहां ताल्लुक खत्म हो गया हमारा 2002 में। लेकिन बहसियत गवर्नर, जिस तरह मैं चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करता रहा, चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो आज सुबह प्रेस में कह रहे थे पता नहीं क्यों इतने नाराज हो रहे हैं MQM वाले, अरे भाई मैंने पाबंदी नहीं लगाई, 144 मैंने नहीं लगाई, दो डबल सवारी पे पाबंदी मैंने नहीं लगाई, शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल जेब में रख के चलने की शर्त मैंने नहीं लगाई। तो ये इससे अंदाजा कर ले कि चीफ मिनिस्टर जिनको वजीर आजम ने कप्तान कहा, मालूम हुआ वो झूठा कैप्टन तो है, वो वाकईतन जो ऑपरेशन चल रहा है उसका कप्तान नहीं, उसका कप्तान है
डीजी रेंजर्स और उसका सुपर कमांडर होगा कोर कमांडर इस्लामाबाद पिंडी में, रावलपिंडी में। तकनीकी देखिए इशरत अलावाद के बारे में तो आप बिल्कुल अल्ताफ हुसैन साहब सही कह रहे हैं, कानूनी एतबार से आईनी एतबार से वो बिल्कुल गवर्नर हैं और ला ताल्लुक उनको होना चाहिए, लेकिन आपके नॉलेज में होगा कि बहुत से इल्जाम जैसे सौरत मिर्जा के बड़े इल्जाम बड़े ग्राफिक डिटेल के साथ कि कैसे इशरत अलावाद साहब मदद करते रहे मुत्तहिदा के कैदियों की और सौरत मिर्जा के लिए भी मदद करते रहे जेल में, तो वो तो ऐसा लगता है कि वो हिस्सा रहे हैं मुत्तहिदा की हिकमत अमली का। गवर्नर का ये बहसियत आईनी कानूनी फर्ज है कि वो हर गिरफ्तार शख्स की जानो माल का तहफ्फुज करे, जेल में होने वाले तशद्दुद के खिलाफ एक्शन ले, तो हम यकीनन जिस तरह चीफ मिनिस्टर मुतालबा करते थे इसी तरह उनसे भी मुतालबा करते थे, उनके इल्म में बात लाते थे। लेकिन जब से ये ऑपरेशन एमक्यूएम के खिलाफ शुरू हुआ और मौजूदा डीजी रेंजर्स आए, तो इससे पहले ही से काफी दिन पहले ही से कोई पॉलिसी चेंज हुई है क्या हुई है कि गवर्नर को तो रखा गया, लेकिन गवर्नर की फिर ये पोजीशन हो गई कि गवर्नर की साइनिंग अथॉरिटी भी नहीं रही, गवर्नर की आईजी वो कॉल बैक ना करे, डीआईजी वो कॉल बैक ना करे, डीजी रेंजर्स को फोन करें वो कॉल बैक ना करे, और किसी को फोन करें वो कॉल बैक ना करे। तो जब गवर्नर जो हम बताएं कि भाई ये जुल्म हो रहा है यहाँ पे, यहाँ क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी की आड़ में रेंजर्स ने इतने लोगों को बेगुनाह गिरफ्तार कर लिया और फिर तीसरे दिन उनकी लाशें सड़क पर मसक शुदा म्यूटिलेटेड डेड बॉडीज उनकी सड़क पर मिले, तो जब गवर्नर उसको बचा नहीं सकते तो फिर हमने कहा कि अब हम आपसे पहले शिकायत किया, अगर शिकायत आपके इल्म में लाते थे मजालिम की, अब वो नहीं लाएंगे आपके इल्म में, क्योंकि जैसे चीफ मिनिस्टर के आगे बीन बजाने से उनमें कोई तरंग नहीं आती, इसी तरह अब आपसे फरियादे करते रहे गवर्नर साहब तो कोई रिलीफ नहीं मिलता और जुल्म पे जुल्म होता जाता है, जबकि आपका काम इंसाफ फराहम करना है। मैंने एमक्यूएम ने आपको गवर्नर के लिए इसलिए प्रपोज नहीं किया था कि आपके सामने गवर्नरी में कत्ल होते रहे, झूठे मुकदमात में गिरफ्तार होते रहे और आप किसी को तहफ्फुज फराहम न कर सके, किसी की दाद फरियाद न सुन सके। अच्छा अल्ताफ हुसैन साहब, आज तो आपका बड़ा खुशी का दिन है, एक बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल के बावजूद मुत्तहिदा जो है इस मुकाबले में जो है वो कामयाब होकर सामने आई है, आगे कराची की सियासी मुस्तकबल पे अब आपकी क्या नजर है? डॉक्टर मोहित विदा साहब, पूरा नतीजा आ गया? क्या नहीं, पूरा नतीजा तो देखिए हमें हमारे सामने 100 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन का तो चूंकि रिजल्ट आया है तो हमें नजर आता है, बल्कि एक सवाल था जिसका आपने पहले दूसरी तरफ बात चली गई कि पहले आपने 74% लिया था, अब ऐसा लगता है कि 60% या 60% से कम यानी जो वोट डले हैं, मैं पूरे वोट की बात हमने इंतखाबात में डॉक्टर साहब हमेशा एक तो वोट कास्टिंग जो रेशो होता है वो जनरल इलेक्शन से कम होता है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी, और हमने इस मरतबा तो अभी आप कह रहे हैं 100 से ज्यादा के 53,000, तो 53,000 अगर हासिल कर लिए तो और बाकी का रिजल्ट आएगा तो और इतना रिजल्ट, तो इतनी पाबंदियों के बाद इतनी दुश्वारियों के बाद और कई जगह पोलिंग 9:30 9:30 बजे तक शुरू नहीं हुई, हम
फरियाद करते रहे कि टाइम बढ़ा दो, एक घंटे का, दो घंटे का, नहीं बढ़ाया गया। तो जनाब अल्लाह का करम है, उस हिसाब से देखें तो ये रेशो बहुत इस बात की खुली दलील है कि कौम ने एक मरतबा फिर तमाम टीवी मीडिया कैंपेन अगेंस्ट दी MQM, तमाम और जो किराए के लोग हैं, जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के पेरोल या दीगर एजेंसियों के पेरोल पे हैं, उनके झूठे जाली प्रोपेगेंडे के बावजूद जिस तरह कौम निकली है, माए बहने निकली हैं, मैं उन्हें सलाम तहसीन पेश करता हूं। कामयाबी तो आपकी बड़ी है, मैं टोटल वोट की बात नहीं कर रहा, आप हर दफा टोटल वोट की तरफ चले जाते हैं, जिमनी में टोटल वोट तो कम ही होता है, मैं शरा की बात कर रहा हूं कि तहरीक इंसाफ लगता है 23-24% वोट ले लेगी, आपका 74% से 60% पे आ गया है, तो एक मुकाबला आपको उन्होंने टफ दिया है, हालांकि जमात इस्लामी उनके साथ खड़ी नहीं हुई। मैं आपसे मतलब देखिए वो बातें मैंने आपसे कहा था, वो मुझसे न कहलवाइए, और अभी मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं अमन चाहता हूं, मैं कराची में, पाकिस्तान में मैं लड़ाई झगड़ा अमनो अम्मा की खराबी मैं नहीं चाहता, लिहाजा मैं बहुत से चीजों को सिर्फ अमन की खातिर, सुकून की खातिर, खून के घूट पीकर मैं अपने सीने में दफन कर रहा हूं, वक्त आने पर इंशाल्लाह उसका भी इजहार की अगर। अच्छा अल्ताफ साहब, मैंने बहुत आपका वक्त लिया, सिर्फ इतना बताएं कि फ्यूचर आप कराची शहर का मुस्तकबिल अब सियासी एतबार से क्या देखते हैं? जाहिर है आप इसके मेगा लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, कल आपने कहा मैं लोगों के दिलों में बसता हूं, मैं आपकी स्पीच सुन रहा था जो आप लंदन से कर रहे थे, अब यहां के इस मौके के बाद जो आपके एक विक्ट्री का मौका है, आगे की सियासत के बारे में आप अपने मुखालिफों को क्या पैगाम देंगे? जब से ये क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया तो टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी MQM को बनाया गया, सारे क्रिमिनल ढूंढे गए MQM, जेलों में जिनके फैसले हो गए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हो गए, उनको जेलों से गैर कानूनी गैर आईनी तौर पे निकाल के वीडियोस बना के उनकी टीवी पे वीडियोस चलवाई गई। ये तो अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ पावरफुल होती तो वो सू मोटो एक्शन लेती कि जिसने ये हरकत की है तहकीकात की जाए, उसमें चाहे पुलिस मुलव्वस होती या गवर्नमेंट सिविल या कोई अस्करी बड़े सी बड़ी एजेंसी मुलव्वस होती, उसकी तहकीकात करके उसे भी सजा दी जाती। हमने तो आज तक सिविलियंस को सजा होते देखा है, इस मुल्क में इंसाफ कायम करना है तो हुजूर ये जो कानून तोड़ के वीडियो बनाई गई जिसका आपने भी जिक्र किया, सौलत मिर्जा ये इतने आपको अजीज और टेलीविजन वालों को इतने अजीज कैसे हो गए, इन्हीं का नाम ले लेंगे सारा MQM के ऊपर जनाब दहशतगर्दी का, मुल्क दुश्मनी का इल्जाम थोपते थे, आज सारे टेलीविजन वाले सारे एंकर इनके हिमायती बन गए कि उनको भी लाया जा रहा है, उनकी बीवी को भी लाया जा रहा है, बाप को भी लाया जा रहा है, बहनों को भी लाया जा रहा है, पता नहीं किस किस को लाया जा रहा है। ये सारी गैर कानूनी हरकत हो रही है। डॉक्टर मोहित पीरा साहब, आज आपका इंटरव्यू रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्ड हो रहा है,
मैं आज वाज़े अल्फाज में बता देना चाहता हूं, चाहे अस्करी इदारे हों या वफाकी सिविलियन गवर्नमेंट, वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हों या सूबाई हुकूमतें मुलव्वस हों बशमूल सिंध गवर्नमेंट, आप यहां अगर बच गए कानून और आइन से, खुदा की अदालत में आप लोग नहीं बच सकते। नहीं, आपकी बात आ गई, तारीख का हिस्सा बन गई। सिर्फ यह है कि जब हम सिंध हुकूमत से पूछते हैं, जैसे शर्जील मेमन साहब से जो सवाल आपने उठाया, बहुत दफा पूछा, वो कहते हैं सुन्नी तहरीक के लोग भी इसकी जद में आए, इस ऑपरेशन की जद में आए, लियारी में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। हाय 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 हाय, लियारी गैंग को आप पॉलिटिकल पार्टी में क्यों शुमार कर रहे हैं? जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है। हम जब ये साबित हो जाता है कि ये आदमी एंटी सोशल एक्टिविटीज में मुलव्वस है, जैसे सौलत मिर्जा था, तो उसको पार्टी से हमने निकाल दिया था जी। अल्ताफ हुसैन, आपका, अल्ताफ हुसैन साहब आपका बहुत मशकूर हूं, शुक्रगुजार हूं कि आपने इतना वक्त निकाला। अल्लाह दुनिया को, डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला दुनिया टेलीविजन को पूरी दुनिया में फैला दे और आपकी शाखें पूरी दुनिया में फैल जाए। 30 तारीख को हम बर्तानिया में भी ट्रांसमिशन शुरू कर रहे हैं, हो सकता है आपसे बर्तानिया। मुबारक हो एडवांस में, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़िए ना यार। बहुत शुक्रिया आपका। तमाम दुनिया के वर्कर्स, कैमरामैन, टेलीविजन प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, तमाम रिपोर्टर्स, तमाम लाइटमैन, तमाम जो जो काम कर रहा था मेरे इस इंटरव्यू के दौरान या नहीं भी कर रहा था, उन सबको मेरा बहुत बहुत सलाम और मुबारकबाद। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, यहां अच्छे लोगों की हुक्मरानी कायम करे और वजीर आजम पाकिस्तान जो हैं, अल्लाह ताला उन्हें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, वो इसका जवाब दे दे टेलीविजन पे, दुनिया टेलीविजन में आन के, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के आपने कप्तान सैयद कायम अली शाह वजीर आला सिंह को बनाया था, तो उनसे पूछे बगैर वो साफ कहते हैं कि डीजी रेंजर्स मेरी सुनता नहीं, मेरे कहने पे बुलाने पे आता नहीं। खुदा की कसम, अब शर्जील मेमन क्यों कह रहे हैं जो बात वजीर आला सिंध नहीं कह रहे? आज आज टीवी में भी उन्होंने कहा, तो शर्जील मेमन क्यों कह रहे हैं? तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जाहिर है अगर वो ना कहें तो शायद कहीं उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए। अल्ताफ हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, आपका पैगाम उन तक पहुंच गया। आप सबका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपसे फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।